राम राम जी, जय जोहार। सुबह के बच्चों के भाई 11:30 और आज हम SMS में जो चीकू की रिपोर्ट आई है वो लेते हुए घर निकलेंगे। तो देखते हैं रिपोर्ट हमको कब तक मिल पाती है, कब तक नहीं मिल पाती सारा कुछ। तो देखो वीडियो एंड तक, घर कब तक पहुंच पाते हैं। लरे कितने से बस कहाँ से मिलेगी यहाँ से? कैब तो हो ही नहीं रही यार, आधी घंटा से ट्राई कर रहा हूँ। लाज कल करवाई थी हमारा ही कल। देखते क्या होता है, क्या वन सेकेंड। तो भैया ऐसा था कि हमारे पास स्टाफ सपोर्ट था, इसलिए हमारा जल्दी नंबर आ गया, लेकिन फिर भी लास्ट में दवाई लेने के लिए तो लाइन में लगना ही पड़ा, क्योंकि ये मालूम नहीं, वैसे तो हमको 2 से 3 दिन लग जाते पूरे काम कराने में, लेकिन पूरा 1 दिन में हमारा काम हो गया मेडिकल स्टाफ सपोर्ट की वजह से। यानी कोई था जानकार जिसने हमारी मदद की। अभी हम लगा हुआ हूँ इतनी लंबी चौड़ी लाइन में जिसका नंबर आया करीब 2 घंटे बाद। देखो कितनी बड़ी लाइन है जिससे मैं खड़ा हूँ अभी। देखते हैं कब तक हो पाता है नंबर। तो पहुंच चुके हम लोग महुआ, जहां हमारा सामान छोड़ के गए थे हम। तो अभी ये भाई आ चुका हमको लेने के लिए, फिर हम घर पहुंचेंगे आयुष शादी वाले घर में से। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हिंडौन सिटी, बस यहां से 10 मिनट के अंदर अंदर हम घर पहुंच जाएंगे चाहे टेम्पू, क्योंकि बस मिलना थोड़ा सा लेट हो जाता है बस का, तो इसलिए हम टेम्पू से घर जा रहे हैं। तो शाम को 6 बजे पहुँचे भाई घर पे। ठीक हूँ। एक गोदाम तो तेरे पास है, बाकी एक गोदाम भाई के पास है सब कुछ पूरा सामान। और पहुंच गए भाई घर पे। कर दियो सेला, बहुत बढ़िया। हाँ चन्ना, कैसे नच रही है? नचो 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 नचो, वाह। तो भैया घर तो मैं पहुंच चुका, लेकिन आज ब्लॉग बनानी, इसलिए मैं गांव की कुछ क्लिप दिखाता हूं, मेरा गांव दिखाता हूं आपको ड्रोन से। तो चलो बिना टाइम स्पेंड किए करते हैं वीडियो को शुरू। तो हम लोग पहुंच चुके भाई पहाड़ पे ड्रोन उड़ाने के लिए। तो अब मैं दिखाता हूं आपको मेरे गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पे है ये पीर बाबा की मजार, जिसको मजार बोलते हैं, हम तो पीर बाबा बोलते हैं वैसे तो। खैर तो ये मकराने से बना हुआ है, इसकी बड़ी मान्यता है खासकर मोमडन्स मतलब मुसलमान लोगों में, बाकी खैर फिलहाल तो इसको सभी मानते हैं, सभी पूछते हैं। गांव के घर कुछ इस तरीके से बसे हुए हैं, आप देख सकते हो थोड़े दूर दूर, थोड़े दूर दूर मतलब अपने अपने खेतों में, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। तो आप देख सकते हो 10 घर इधर की साइड है, 10 घर बाकी बैक साइड है, जिनको मैं 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ। उससे पहले भाई ड्रोन को करते हैं वापस बुलाते हैं। तो वापस बुलाने देखो पहाड़ से कितना ऊँचा उड़ चुका। गांव के पहाड़ 3 भागों में, एक छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटे वाले पे हमें। तो ड्रोन अभी हमसे समथिंग तकरीबन ये मान लो कि 0.5 किलोमीटर ऊपर है। तो 0.5 किलोमीटर ऊपर से देखो एक साथ नीचे जाएगा, अभी तो हम चींटी के बराबर भी नहीं दिख रहे, तो एक साथ देखेंगे आपको जल्दी 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 नीचे उतर नीचे उतर नीचे उतर। एक मिनट देखो ये देखो 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 देखो, देखना शुरू होंगे, बहुत स्पीड से उतर रहा है ड्रोन, ये दिख गए होंगे आपको, ये देखो एकदम। ये देखो गांव की चोटी की 3 उससे कुछ इस तरीके से है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे छोटा, मतलब उस तरीके से। आप देखो ये पूरा गांव है जिसका कितना शानदार लगता है, मतलब पहाड़ों की वजह से बहुत कुछ है हमारे यहाँ पे। देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं पहाड़, कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को पसंद आए। बाकी खैर जितने भी नीचे हरे भरे दिख रहे हैं वो सब खेत है गेहूं और सरसों के, सरसों तो ऑलमोस्ट कट चुकी खैर, लेकिन फिर भी गेहूं बचे जो दिख रहे हैं आपको। तो ये पहाड़ है जिस पे हम बैठे हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ गाँव का पिछला हिस्सा, पिछले हिस्से में भी फिक्स गिने चुने 15 घर हैं जिनको भी दूर दूर बसा गया है। देखो तो मतलब ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं है, लास्ट 100 घर होंगे। गांव की एक बस्ती टाइप की जगह है जहाँ पे सब एक साथ रहते हैं, मतलब एक साथ पास पास में घर है, लेकिन ये जो मैंने अगल और बगल का दिखाया था यानी पीछे की साइड का बैक साइड जहाँ पर टोटल 15 घर है, और ये पीछे की साइड देखो जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है। बाद में ये देखो ये बीच में सड़क है जो दूर तक जाती है, मतलब बहुत प्यारी जगह है।
तो रास्ते में कुछ जंगल पड़ेंगे उनके लिए, कुछ इस तरह के खेत है, बाकी तो फिर कुछ खास नहीं। देखो आप, छोटा सा गांव है, छोटा सा घर है, प्यारे से घर है, और ज़्यादा ऊंचे मकान नहीं, बस ये है कि लोग वहाँ सिंपली अपना जीवन जी रहे हैं। तो पिक्स 15 घर है पीछे की साइड, ये देखो आप जुगाड़। बाकी ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है मेरे ड्रोन का नया क्लिप। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो मेरे साथ कितने सारे बच्चे लोग हैं, ये सब ड्रोन का तमाशा देखने के लिए आ गए सब के सब। देखो ये सभी के सभी नाच रहे, देखो। ये ड्रोन की रफ्तार तकरीबन ये मान लो कि 12 किलोमीटर की रेंज तक जाती है, लेकिन 12 किलोमीटर तक हम इसको कभी ना थोड़ा ही ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे रिस्क ले नहीं सकता क्योंकि काफ़ी महंगा ड्रोन है, तो मैं तो रिस्क लेने से रहा भाई। बाकी ये है, शाम हो चुकी है, पहाड़ आप देख चुके हो, ये है कुछ मसला भाई मेरे गाँव का। बाकी किसी दिन अच्छे से उड़ाऊँगा ड्रोन, तब आपके लिए अच्छी अच्छी क्लिप लूँगा, अभी तो खैर जितना भी है आई होप यही है। एक बार फिर से मैं नज़दीक लेता हूँ, ये देखो स्पीड में से जाएगा, बहुत ख़तरनाक स्पीड से ड्रोन वापस। ड्रोन की स्पीड ये मान लो कि मोटरसाइकिल की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड है इसकी, बहुत तेज़ रफ्तार से जाता है ये। इसकी पंखुड़ियाँ इतनी तगड़ी होती है कि मान लो गर्दन तक काट देती है, इसलिए बच्चे लोग डर रहे सभी के सभी, क्योंकि बहुत हैवी ब्लेड्स होती है, पंखुड़ियों में लगी होती है ब्लेड जो लोहे की होती है। तो मेरी भी एक दो बार उंगलियाँ कट चुकी खैर उससे। तो ये है भैया पूरा मसला ड्रोन का, आई होप देखो। सारे के सारे बच्चे पूरे मज़े ले रहे हैं मतलब ड्रोन के साथ में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी कल तो खैर घर का ब्लॉग करते हैं, आज तो खैर ये मान लो कि ब्लॉग हो ही नहीं पाया, इस वजह से मैंने ड्रोन दिखाया था और ये भी ठीक से उड़ा नहीं पाया था, पहली बार उड़ाया था, अच्छी बार अच्छे से उड़ाऊंगा अगली बार जब भी उड़ाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना जिन मतलब अभी तक लाइक नहीं किया हो, बाकी कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, जय जोहर।